साथ कंचन मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज के ताजा खबरों का। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। बिजली चोरी रोकने और सुधार करने के उद्देश्य से घर घर निरीक्षण करते अधिकारी। प्रखंड के आनंदपुर उपी क्षेत्र भैरोगंज बाजार स्थित विद्युत उपभोक्ता के घर दुकानों में लगे विद्युत मीटर का औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य रूप से चांदन विद्युत आपूर्ति कनीय अभियंता राजाराम प्रसाद, सहायक सुपरवाइजर राजेश कुमार यादव, मीटर रीडर पप्पू यादव, विनोद यादव और मानव दल भोला शर्मा, खोबलाल यादव संयुक्त रूप से मौजूद थे। इस संबंध में विद्युत कनीय अभियंता राजाराम प्रसाद ने बताया कि वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार बिजली उपभोक्ताओं का मीटर रीडिंग जांच की जा रही है, साथ ही साथ खराब पड़े बिजली मीटर को बदलने का काम किया जा रहा है। वहीं घर के अंदर में लगे मीटर को बाहर शिफ्ट कराया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से विद्युत ऊर्जा उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के प्रति कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल 10-15 उपभोक्ताओं के घरों में लगे मीटर जांच की गई है, कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई। इस दौरान कई विद्युत उपभोक्ताओं का हो रही समस्या को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। अनावश्यक औचक निरीक्षण करते देख अवैध तरीके से ऊर्जा खपत करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता उमाकांत शाह की रिपोर्ट। अभी हम लोग कल ऊपर से ही जांच के लिए बोला गया है, क्योंकि डोर टू डोर जमा हर बिल को चेक करना है और किसी को गड़बड़ है या किसी का मीटर गड़बड़ है तो उसको कार्रवाई करना है। आज भैरोगंज में कितने इस तरह मिला सर? अभी तक तो हम लोग 10 लोग घर चेक किए, 10 से 15 घर। अच्छा। उसमें अभी बहुत सा का अंदर घर में मीटर था उसको हम बाहर करवाए हैं और जिसका डिफेक्टिव है उसको चेंज करेंगे हम लोग, और जिनका बिल इशू है उसको हम ठीक करेंगे। अभी किसी पर ऐसा हुआ कि गैर कानून ढंग से नहीं, अभी तक तो नहीं धराया है, अगर धराएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजाराम प्रसाद है, कन्य विद्युत अभियंता चांदा। धन्यवाद। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।